हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 371, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 370 की तो हम बहुत बात कर चुके हैं क्योंकि उसको निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 371 का क्या? भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास अभी भी विशेष दर्जा है या कुछ विशेष अधिकार है, तो क्या अब अनुच्छेद 371 की बारी है? इस पर हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है और क्या क्या दर्जा उन्हें, किस किस चीज का स्पेशल प्रोविजन उनके लिए है। तो अनुच्छेद 371 पे अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 371 वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते, ना ही इसको एब्रोगेट या रिपील करना चाहते हैं। ये गृहमंत्री से कल पूछा गया था, फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में पूछा गया था अमित शाह जी से कि क्या आप अब अनुच्छेद 371 की तरफ देखेंगे, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, हम अनुच्छेद 371 की तरफ बिल्कुल भी रिमूव उसे नहीं करेंगे। भारत में इस वक्त 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मिजोरम। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल थानावला, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं अब उनको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि सरकार अब 35A और 370 के बाद अब 371 की तरफ मुड़कर देख रही है। इसके अलावा जो कुछ गवर्नर हैं, कुछ राज्यपाल हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के, उन्होंने भी कुछ इस तरह की आशंका जताई। तो क्या अधिकार हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनको 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, आइए एक एक करके देखते हैं और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या हमें इसको भी हटाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। इन्हें अनुच्छेद 371 कुछ खास प्रावधान देता है, जैसे इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी कई हिस्सों में अलग से विकास बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया है। नागालैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे लिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी, तो अनुच्छेद 371A ये नागालैंड को विशेष अधिकार देता है। जैसे सबसे बड़ी बात, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे राज्य का नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकता, प्लॉट नहीं उठा सकता, राइट? वहां पे जो नागा लोग रहते हैं उनके जो उनके संप्रदाय, उनके लिए अलग से कानून है। अगर कोई आपराधिक मामला होता है तो उसमें नागालैंड के कानून के हिसाब से नागा लोगों को सजा मिलती है। इतना ही नहीं, इस मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक नागालैंड की विधानसभा विशेष संकल्प ना ले। नागालैंड में आप घुस भी नहीं सकते, अगर आप दिल्ली के या किसी भी दूसरे राज्य के हैं तो नागालैंड में आप घुस भी नहीं सकते, पहले आपको वहां इंटर स्टेट परमिट लेना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, इसको अनुच्छेद 371D और 371E, इन दोनों अनुच्छेदों से विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जैसे नौकरी और पढ़ाई के मामले में जो आंध्र प्रदेश के खुद के लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा, जरूरत के हिसाब से आंध्र प्रदेश की सरकार किसी भी सिविल पोस्ट के लिए वहां पे सीधी भर्ती कर सकती है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए होगी। सिक्किम की बात करें तो अनुच्छेद 371F, इसके तहत सिक्किम के पास पूरे राज्य की जमीन का अधिकार है। यहां किसी भी तरह के जमीन के विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट तक को कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत की संसद किसी भी तरह से जमीनी विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी को इस राज्य के जनजातीय इलाकों में जमीन खरीदनी है तो वहां के केवल आदिवासी लोग ही जमीन खरीद सकते हैं, दूसरे के पास अधिकार नहीं है। यानी नागालैंड की तरह सिक्किम में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। मिजोरम की बात करते हैं, अनुच्छेद 371G, इसके तहत मिजोरम में जो जमीन है इसका मालिकाना हक सिर्फ वहां बसने वाले आदिवासियों का है। अनुच्छेद 371I ये गोवा के लिए है। गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 जिसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात को भी विशेष दर्जा था, उसके लिए हिमाचल प्रदेश भी है उसी अनुच्छेद 371 में। हिमाचल प्रदेश में आप अगर वहां के किसान नहीं हैं तो हिमाचल प्रदेश के नागरिक होने के बाद भी जमीन नहीं खरीद सकते अगर वो खेती योग्य जमीन है, और बाहर वाले तो खेती के लिए जमीन खरीद ही नहीं सकते, ठीक है? बाहर के लोग हिमाचल में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। इतना ही नहीं, अगर आप हिमाचल प्रदेश के भी हैं
लेकिन किसान नहीं है तो भी आप वहां खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो राज्यपाल है वहां का, उसके पास यहां की कानून और व्यवस्था के लिए विशेष अधिकार है और इस आधार पर वो मुख्यमंत्री तक के फैसले को रद्द कर सकते हैं। अब बात करते हैं असम की। अनुच्छेद 371B, ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत असम से मेघालय को अलग कर दिया गया था। असम के तीन समुदाय खासी, गारो और जयंतिया, जो यहाँ इन्हीं नाम की पहाड़ियों पर रहते हैं, इनको जिलों को काटकर एक अलग राज्य मेघालय बनाया गया था अनुच्छेद 371B के तहत। इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है भारत का, उसको विशेष अधिकार मिलते हैं। राष्ट्रपति इस राज्य के आदिवासी इलाकों से चुनकर आए विधायकों की एक कमेटी बना सकते हैं जो विकास से जुड़े सारे कामों की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट सीधी राज्यपाल को सौंपेगी। मणिपुर, अनुच्छेद 371C। मणिपुर में अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस राज्य के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देकर चुने गए प्रतिनिधियों की कमेटी बनवा सकते हैं। ये कमेटी मणिपुर राज्य के सारे विकास कार्यों की निगरानी करेगी और फिर राज्यपाल के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी। अनुच्छेद 371J, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए। वहां की सरकार को भी ये अधिकार है हैदराबाद की कि वो वहां नौकरियों में आरक्षण, स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण वहां के स्थानीय लोगों को दे। ये खास आरक्षण सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए रखा जाए। तो आप देख सकते हैं कि भारत के कितने सारे राज्य हैं जिन्हें आज भी कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। और इनर लाइन परमिट का मैंने जिक्र किया था, तो भारत के तीन राज्य हैं जहां पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। यानी अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड में भारत के दूसरे राज्य के लोग घुस भी नहीं सकते जब तक उन्हें इनर लाइन परमिट ना मिले। और ये परमिट सिर्फ ट्रैवल पर्पज के लिए मिलता है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मिलता है। आप इन राज्यों में भी कहीं पर भी जमीन नहीं खरीद सकते। अब सवाल ये है कि क्या हमें अनुच्छेद 371 पर भी पुनर्विचार करना चाहिए? क्या हमें इसकी तरफ भी मुड़कर देखना चाहिए या इसमें कुछ कोशिश करनी चाहिए किसी तरह के संशोधन या इसको निष्क्रिय बनाने की, जिससे इन राज्यों के विशेष अधिकार जो हैं वो दबाए जा सकें या उनको खत्म किया जा सके? आफ्टर ऑल हम पूरे भारत को एक जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ ही ये व्यवहार क्यों, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक रीजन ये है कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं हमारे, उनका एक अलग कल्चर है, राइट, एक बिल्कुल अलग। नागा लोग, जो मीजो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, चाहे वो कुकी हो या नागा हो, तो उनका एक अलग कल्चर है। ये हर राज्य एक अलग देश की तरह है, इतना विभिन्न, इतना डाइवर्सिटी, इतनी विविधता है यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपराओं में। ये संस्कृतियां जो हैं अभी भी भारत के दूसरे राज्यों के साथ किसी भी तरह से आर्थिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर मिल नहीं पाई हैं। इनके बिल्कुल अलग त्यौहार हैं, तो इन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है जिससे इनका विकास हो सके। दूसरा, आर्टिकल 370 को एक टेम्परेरी प्रोविजन माना गया, जबकि आर्टिकल 371 को स्पेशल प्रोविजन माना गया कि ये आर्टिकल 371 टेम्परेरी नहीं है लेकिन ये कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है इन्हें। तो आर्टिकल 371 की तरफ क्या हमें पुनर्विचार करना चाहिए, इस पे आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप 150 शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आप अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आंसर करेंगे तो मैं आपके आंसर खुद चेक करूंगा। सो ये था हमारा वीडियो आर्टिकल 371, जो भारत के राज्य हैं जिनके पास विशेष दर्जा है। आई होप कुछ नया आपने सीखा होगा इस वीडियो से। तो देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू सो मच।